आज दिल्ली में जंतर मंतर पर कांग्रेस के एससी प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। राहुल गांधी का संबोधन यहां पर हो रहा है। तो आपको बता दें कि जंतर मंतर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। ये आप राहुल गांधी को देख पा रहे हैं, उनका संबोधन शुरू हो चुका है। मगर नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ अपने 3-4 उद्योगपतियों मित्रों को पैसा दिया, बाकियों को कुछ नहीं। मीडिया की बात करता हूं मैं, कहता हमारे मित्र हैं, हर मीटिंग में कहता हूं हमारे मित्र हैं, मगर जो हमारे मित्र हैं वो देश का काम नहीं, वो उद्योगपतियों का, नरेंद्र मोदी का और आरएसएस का काम कर रहे हैं। मगर भाइयों और बहनों देखिए, ये देश बहुत समझदार है, जनता को सब कुछ समझ आ रही है और आस्ते आस्ते देश में दलितों में, गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में एक आवाज आपको सुना, और वो आवाज आस्ते 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 बढ़ती जाएगी और फिर एक दिन वो आवाज एक तूफान, बाहर नहीं निकलने देता था और जो उनके हक थे ये बाबा साहेब ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश को क्या सिखाया, इस देश को उन्होंने सिर्फ एक बात सिखाई है, बहुत कुछ लिखा मगर सिर्फ एक बात सिखाई है और वो ये है कि डरो मत, डरो मत, डरो मत, इन कायरों से डरो मत। ये जो है ये खोखले है, जिस दिन हिंदुस्तान बंद कर जाएगा उस दिन ये भाग जाएंगे, ये दिखाई नहीं देंगे। हमारा काम, कांग्रेस पार्टी का काम, एससी एसटी डिपार्टमेंट का काम, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई का काम, हिंदुस्तान को सिर्फ ये याद दिलाना कि हिंदुस्तान का व्यक्ति, हिंदुस्तान का आदमी डरता नहीं है, किसी भी शक्ति से नहीं डरता है और किसी भी शक्ति के सामने खड़ा हो सकता है। भाई और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो कांग्रेस का ये आरोप है कि हाल के दिनों में जो एससी समुदाय के लोग हैं उन पर उनका उत्पीड़न ज्यादा बढ़ा है और इसी के विरोध में ये आप देख रहे थे कांग्रेस का कार्यक्रम। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।